नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑक्टोपैड गुरु में। दोस्तों, हमारे एक मित्र की बहुत दिनों से फरमाइश थी कि सनेडो सनेडो जो पैटर्न है, सनेडो सनेडो सॉन्ग, तो उस पैटर्न पर जो है एक पैच बनाया जाए। तो दोस्तों, मैं वो पैच लेकर आ गया हूँ और बहुत ख़ास पैच है, गुजराती लोगों में सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला पैच है ये। तो आप इसको सुनिए, कैसा लग रहा है कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए बिना देर किए हम सुन लेते हैं कि किस किस तरह से इसको हम बजा सकते हैं, सॉफ्ट हार्ड, और कैसे परकशन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पैच की तरफ। दोस्तों, ये था पैटर्न और इसको इस तरीके से आप बजा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके सीखने की क्या क्या विधि है, किस तरह से इसको सीखना है। तो एक एक स्टेप को मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा किस तरीके से इसको बजाना है। देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये दोनों को आपको साथ में बजाना है, ठीक है। पहला पैटर्न बता रहा हूँ जो मैंने सॉफ्ट बजाया था, ये वाला। क्या करना है, धिन ता धिन तग तग, ये बेस आना जरूरी है, तब जाके वो फील आएगा ये, और इतना जल्दी आएगा वो कि मतलब थोड़ा सा आपको अलग टाइप का सुनाई देगा, है ना। धिन ता धि तग धिन ता धि तग ऐसा करके आएगा वो। ठीक है, तो धिन ता धिन ये बजाना है, फिर ती, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। और एक बार खाली में बजा दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप बजा सकते हैं, एक बार ये एक बेस के साथ, एक बार यहां से खाली आ रहा, तो तीन ता तीन ता तीन तक तीन ता तीन तक, ठीक है। और चाहे तो फिर अगर आपको पैटर्न बजाना तो हर बार बेस बजाइए, like this, तो अब क्या कर रहे हैं, मैं यहां पर जो बजा रहा हूं ना उसको यहां पर इंक्लूड कर लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें हर बार एक किक भी लगा हुआ, मतलब किक से मतलब एक टोन लगा हुआ है, जो धम की आवाज आ रही है, बेस की आवाज आ रही है, तो वो हर बार बजेगा। कैसे बजाना है इसको, ठीक है, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट पैटर्न जो बजाया था उसमें मैंने क्या किया, यहां पर जो बजा रहा हूं मैं, तो यही चीज अब यहां बजा रहा हूं एक बार और फिर दूसरी बार में यहां पे, तो कैसे, देखिए स्लो करके बताता हूं, ठीक है।
ठीक है, और यहाँ पर एक टोन लगा हुआ है डफ का, तो हल्की टोन है ये, तो अपने हिसाब से पिकअप बजा सकते हैं। अब तो पैटर्न जो है, जब आप इसको पैटर्न, बेसिक पैटर्न सीख लेंगे ना, तो अपने आप दूसरे पैटर्न भी आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ाई है अपनी, किस किस तरीके से और बड़ा बजा सकते हैं वो आप खुद करने लगेंगे फिर, है ना। बेसिक पैटर्न आपका, बेसिक बीट तैयार हो जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप दूसरी चीज़ों पे जाइए कि कहाँ कहाँ बेस हम कितनी बार बजा सकते हैं और कितनी बार हम इसको डफ के टोन को बजा सकते हैं, किस तरह से पिकअप लगा सकते हैं, तो ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। अभी बेसिक बीट मैंने आपको सिखा दिया, आप बढ़िया तरीके से इसको सीखिए और बजाइए। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करिए, और आप अपनी फरमाइशें ही बताइए जिससे हम आप तक कुछ और पैच भी पहुंचा सकें। मिलते हैं फिर दोस्तों किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।